ठीक है। हाँ, जय श्री राधे। राधे राधे। तो आज आप मथुरा की पावन धरती पर आए हैं आपको बहुत ही बेहतरीन दर्शन कराने के लिए। तो इस टाइम जा रहे हैं सीधे, रिक्शा भी मैंने कराया भैया की दुकान पे, और यहाँ से जा रहे हैं प्रकार पकड़ने के लिए। तो जो जो रास्ते में भैया बताएंगे मैं वहाँ पे दर्शन कराते जाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो मैं इस टाइम यही रिक्शा में बैठ चुका हूँ मैं। पहले जो कोई स्थान पड़ेगा सीधे वहीं पे पहुंचेंगे। भैया सारी चीज जानकारी दे जा रहे हैं, तो एक एक पॉइंट की जानकारी मिलती रहेगी। ओ भाई, इस टाइम हम गोवर्धन मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं, और तानघाटी मंदिर है जो, तो वहीं पे आपको दर्शन कराते हैं, फिर आगे चलते हैं फिर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे है, ये पैदल करना चाहते हो आप पैदल करिए, और अगर आप पे कोई समस्या है या नहीं कर सकते तो ई रिक्शा के में, क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत होने के कारण तो मैं ई रिक्शा में जाया हूँ। तो इस टाइम चलते हैं, और आप यहाँ की सवारी भी कुछ ज़्यादा बहुत बेहतरीन किराया वाजी लिए रहे, 100 रुपये किराया अगर आप एक पर्सन जाते हैं, और अकेली खुद गाड़ी बुक करते हैं तो 400 से 500 रुपये खर्चा आएगा आपका भाई, अगर 5 सवारी भी रखते हैं तो। और मैं अकेला ही आया हूँ, तो मैंने अकेला भैया को दिया है, तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी आइए भैया के, जब भी मिलते हैं तो इन पर जरूर सवारी कीजिए। भक्तों की कितनी आस्था होती है, जो कि जैसा कोई मन्नत मांगता है कि हम पैदल लेट के जाएंगे, चल के जाएंगे, तो सब चल रहे हैं यहाँ पर देखिए। राधे राधे। कितनी दे रहे हमारा भैया? 30 रुपये। 30 माला। क्या क्या देते हैं इसमें? माला है, फूल रहा है। ठीक है भैया, एक माला दीजिए आप, ये इसको डाल दो थैली। श्री राम कितने का गिलास भैया ये? चलिए ठीक है, बात। तो मैंने इस टाइम पूजा का माला और हार ले लिया है। जय श्री राधे। अब मैं दर्शन कर चुका हूँ, मैं अब से दर्शन मंदिर भी लेके चलते हैं। मैं इस टाइम गोवर्धन महाराज के दर्शन कर चुका हूँ मैं, तो अब दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं, ताकि क्योंकि मंदिर दूर दूर है और परिक्रमा लंबी है, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए तो चलता हूँ सीधे अब दूसरे जो स्थान है वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो रिक्शे वाला भाई बताएगा कि कहाँ जाना है, तो वहीं मिलता हूँ मैं। टोटल जो लंबाई है यहाँ की 10.5 किलोमीटर की है। अगल बगल की 30 किलोमीटर। अच्छा, आना जाना जैसे। ठीक है, तो अपने इस टाइम गोवर्धन महाराज के दर्शन कर चुके हैं, अब दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले, जैसे ही पहुँचेंगे आपको बताएंगे कौन से देवी देवताओं के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जरूर बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अरे हमारे हरिराम चाचा की प्लॉट ना देखिए, ये सामने जो रोड देखे जा रहे हैं, सामने गोवर्धन पर्वती चल रहा है ये, और बेहतरीन बहुत ही सुंदर नज़ारा होने वाला है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं इस टाइम।
तो इस टाइम दूसरा स्थान आ चुका है पूंछरी का लोटा, सामने देख रहे हो मंदिर। तो मैं अब सीधे वहीं पे दर्शन कराता हूँ। मैं पूंछरी का लोटा ये स्थान है धार्मिक, वहीं पर लेकर चलता हूँ मैं। राधा रानी आपकी बाबू मनोकामना पूर्ण करें सभी कार्य। ये झाड़ू वाले को भी अभी देंगे जय श्री राधे और राधा रानी की जय। गिरिराज महाराज खुश रखे, आपका परिवार खुश रहे, आप लोगों को बाबू दान भी लगा के जाओ माता जी। राधे राधे बहन जी, राधे राधे माता जी, आप लोगों की मनोकामना राधा रानी। सामने महाराज जी जय श्री राधे। तो बताएंगे आप इसके बारे में, पूंछरी के लोटा भगवान श्री कृष्ण के सखा है। अच्छा अच्छा, सखा थे मतलब यहाँ से नाथ द्वारा गए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने सखा को इधर बिठा के गए, उनसे बोल के गए कि मैं कल परसों में लौट के आ रहा हूँ। अच्छा, तो गिरिराज जी की परिक्रमा दंडवत करे, आप उनकी परिक्रमा के साक्षी रहना। अच्छा, हाजिरी भरना और मेरे लौटने पर मुझे बताना कौन सा भक्त किस भावना से आया। सही बात है। तो इन्होंने बोला कि भगवान तुम कल परसों आओगे, मुझे भूख प्यास लगी, मैं यहाँ से उठ के कहीं चला गया। सही बात है। उसका दुख तो मुझे ही लगेगा। भगवान ने इन्हें वरदान दिया, अन्न खाए ना पानी पी, में कैसे पड़े लौटा, धन्य धन्य रहे लौटा। आज से तुम्हें अनजल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माखन मिश्री का ही भोग, टेंशन फ्री कर दिया महाराज जी ने। माखन मिश्री का ही भोग लगेगा। श्री नाथ जी गए हो आप नाथ द्वारा? नहीं अभी, अभी नहीं। तो जो राजस्थान में है ये, अब जाना है। जाओगे ना श्री नाथ जी ऊपर दम जयकारा। अच्छा अच्छा, लगता है पूंछरी के लोटा की भूख भूख प्यारे। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय श्री राधे। टाइम हमारा अब तीसरा पड़ाव बैठ रहा है श्री नाथ मंदिर का, तो आपको सीधे वहीं पे लेके चलता हूँ मैं, जहाँ जहाँ जो जानकारी आपको देता जा रहा हूँ मैं। राधा रानी की कृपा सब बनी रहे, हम तो यही आशा कामना करते हैं। श्री नाथ मंदिर के सामने बिल्कुल ही खड़ा हूँ, सामने पीछे देख रहे हैं, तो आपको सीधे अंदर दर्शन कराते हैं जहाँ तक कैमरा अलाउड होता है। जय श्री राधे। आप सामने देख पा रहे हैं श्री नाथ मंदिर, आपको धीरे धीरे सारी लीला जो हुई है मथुरा की सब दिखाता जा रहा हूँ मैं। इस टाइम गोवर्धन पूजा में आप गोवर्धन मंदिर की दर्शन करा चुके हैं आपको, और आए आपको पीछे भी लोटा का जो आपको अंदर लेके चलते हैं श्रीनाथ मंदिर में। हम परिक्रमा लगा रहे हैं श्रीनाथ मंदिर के चारों तरफ की, आपको वीडियो में आनंद आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। महाराज जी रुई का करते क्या है, उनको कुछ करना होता है? अच्छा अच्छा, इत्र कान में लगाओ, इत्र है इसमें। हाँ,
अब हमारा चौथा पड़ाव आ रहा है जतिपुरा का, यहाँ से अभी 2 किलोमीटर दूर है और गोवर्धन 5 किलोमीटर दूर है, तो सीधे आपको वहीं पे नजारा जाते हैं। सामने देख रहे हैं ये जो रोड पे हम चल रहे हैं, ये पक्के रोड है जो सवारी के साथ चल सकते हैं, जो बीच में भक्त लोग चल रहे हैं ये पैदल चलने वाले हैं, जो क्योंकि रोड पे चलना दिक्कत होती है तो आप इसमें सेफ चलता है सेफली। तो हमारी गई माता भी खड़ी है, इस टाइम में जतिपुरा मंदिर में दर्शन करने के लिए आ चुका हूँ मैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट आते जा रहे हैं, मैं आपको जो जो वीडियो में धार्मिक स्थान दिखने वाले हैं जरूर दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको अपने सीधे जतिपुरा मंदिर में ले चलता हूँ मैं। अच्छा देना एक गिलास, देना एक गिलास, जतिपुरा महाराज की जय हो। आज के सही टाइम कौन बैठे तू जाने सही जगह हाँ हाँ जहाँ तेरे बाकी ये दाऊ महाराज की जय। दाऊ भैया है, दाऊ भैया, दाऊ भैया हमारे बड़े भैया। जय श्री राधे। ये मेरा गोवर्धन पूजा का पहला पार्ट पूरा हो चुका है यात्रा का, तो और मिलते हैं नए ब्लॉक में और नए जगह के साथ में, तो इसी के साथ आपको श्री जय श्री राधे राधे, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और लाइक करना। जय श्री राधे।